पिछले 6 माह से रेलवे में नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सैकड़ों किसान आज रीवा पहुंचे और कॉलेज चौराहे से पैदल मार्च करते हुए रीवा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन आनंद विहार को रोकने रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। लेकिन रास्ते में कलेक्ट्रेट के सामने पहले से बैरिकेड लगाकर तैयार पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोक लिया। इस दौरान शांति व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। आंदोलन की जानकारी प्रशासन को पहले से थी, इसकी तैयारी कर रखी थी। प्रशासन ने रेलवे को भी सूचना दी थी, जिसके चलते रेलवे ADRM आंदोलनकारियों से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनसे किसानों की करीब 1 घंटे की बातचीत चलने के बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। रीवा से निकल रही ललितपुर सीधी सिंगरौली रेल लाइन को लेकर किसान कई माह से आंदोलनरत है। दरअसल पटरी बिछाने किसानों की जमीन रेलवे ने अधिग्रहित कर ली, जिसके एवज में मुआवजा दिया और कुछ लोगों को नौकरी, बाकी लोगों को भी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन आज तक अधिग्रहित भू स्वामियों को नौकरी नहीं मिली, जिसके विरोध में आंदोलन किया गया। रेलवे का भू अर्जन हुआ है यहाँ पर ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए, उसी के तारतम्य में इन लोगों ने आज विवेकानंद मूर्ति से लेकर के रेल रोको अभियान, जो दिल्ली रीवा नई दिल्ली ट्रेन है, उसको रोकने के लिए ये लोग जा रहे थे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा इनको रोका गया और ताकि लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब ना करें, कानून व्यवस्था को खंडित ना करें। ऐसी दशा में हमारे पास जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी थे ADRM लोग आए हैं हमारे पास और इनको बताया है कि जो भी समस्याएं हैं अप्रोप्रिएट फोरम में रखी जाएंगी। इनकी मूल समस्या है कि इनको जॉब दिया जाए, क्योंकि पूर्व में रेलवे ने जॉब भी दिया था, बीच में रेलवे ने डिसीजन लिया कि जॉब नहीं देंगे, सिर्फ भू अर्जन राशि देंगे और कंपनसेशन अमाउंट जो भी उन्होंने निश्चित किया उसको देंगे। ये विगत 15 जनवरी से रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ में, आप लोगों को भी मालूम है, सारे ज़िलेवासियों को, प्रदेशवासियों को मालूम है कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना के अंतर्गत किसानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उनकी भूमियां ले ली गई, उन पर पटरियाँ बिछा दी गई, 20% लोगों को नौकरी दी गई, 80% लोगों को नौकरी से वंचित कर दिया गया,